सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने डायलर पैड में कोई भी ऐप को हाइड कर लिया है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपने डायलर पैड में इंस्टाग्राम को हाइड किया है, हेल्प डालूंगा और मेरा एक्सेस कोड डालूंगा और हाइड करूंगा। जैसे कि देख सकते हो, इंस्टाग्राम को मैंने हाइड कर लिया है, लेकिन आप लोगों को किस तरीके से अनहाइड करना है, एक्सेस कोड डाल के अपना डायल में अपना डायलर को हाइड करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आपने अपने डायलर पैड में किसी भी ऐप को हाइड कर लिया है तो उसको अनहाइड कैसे करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको नॉलेजफुल वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करिएगा। बाई डिफ़ॉल्ट फ़ोन की सेटिंग सब फ़ोन में देखने को मिल जाती है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, प्राइवेसी का, ठीक है। अगर आपका ऐप लॉक का सेक्शन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिलता है ऐप लॉक, यहाँ पे भी ऐप लॉक का सेक्शन नज़र नहीं आना, यानी कि मेरा मेन पॉइंट ये है कि आपको ऐप लॉक पे आना होगा, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे सर्च, ठीक है, यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हो तो यहाँ से भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको प्राइवेसी में आना होगा और यहाँ पे ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद अपने जो पे पासवर्ड क्रिएट किया था, यूज़ किया था, वो आपको पासवर्ड ध्यान से देखना होगा कि अब मैंने क्या डाला था, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। स्क्रीन पासवर्ड कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पासवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, मैं अपना डायल करेंगे, मैंने डायल कर दिया है, ठीक है। अगर आपको रीसेट करने में कोई दिक्कत आ रही है, अगर भूल जाते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, वीडियो आई बटन में प्रोवाइड की है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने क्या हाइड किया है, मैंने इंस्टाग्राम किया, यहाँ पर शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करेंगे, इनको अनहाइड यहाँ से करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, मैंने अनहाइड किया, लॉक भी हटा दिया है। इसके बाद इसको मिनिमाइज़ करेंगे, आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे नज़र आ जाता है। अब मैं अपना डायलर पैड को ओपन करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, और मेरे डायलर पैड में कुछ भी नहीं हाइड है, जैसे कि हैज़ 5656 हैज़ डायल करेंगे, सिर्फ प्राइवेट सेफ ही रह गई, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम था, मैंने हाइड किया था, लेकिन अब यहाँ से अनहाइड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर शो हो जाता है। आप लोग बड़े आसानी तरीके से इंस्टाग्राम को हाइड किया था, आपने डायलर पैड में किसी भी ऐप को हाइड किया था, और उस तरीके से अनहाइड कर सकते हो। फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।